अब शहर में टीबी के मरीजों को मिलेगी ज्यादा सुविधा। भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर 2025 तक को लेकर जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर ने प्रयोगशाला का निर्माण किया है। ये प्रयोगशाला न केवल कानपुर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों की भी सेवा करेगी। कानपुर में BSL-3 प्रयोगशाला पहले नहीं थी और क्षय रोग की जांच के लिए नमूने वाराणसी या आगरा भेजे जाते थे। प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि अब BSL-3 प्रयोगशाला की स्थापना के बाद नमूनों को परिवहन और परीक्षण और रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही अतिरिक्त समय भी नहीं लगेगा। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि इससे मरीजों का इलाज और ज्यादा आसानी मिलेगी, साथ ही समय भी कम लगेगा। दबाते ही इसको अगर हम ये दबाएंगे तो यहाँ से एक धार निकलेगी कस के जो हमारी आंखों में जाएगी, जिससे जो भी स्प्लैश हमारी आंखों में हुआ वो सारा निकल जाएगा। बाई चांस बॉडी के किसी पार्ट पे हुआ तो हम खाली ये बटन दबाएंगे इस तरीके से और इससे पानी का प्रवाह जो डिसइंफेक्टेंट वो हमारे पूरे शरीर पे आएगा, जिससे हमारा डिकंटैमिनेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह का एक अपना सेफ्टी फीचर है। उसके अलावा यहाँ पे हैच बॉक्स का भी प्रयोग किया गया, इसकी भी फोटो ले लेना। इस हैच बॉक्स के द्वारा हम मरीज को सैंपल लेंगे, मरीज बाहर से सैंपल इसमें प्रोवाइड कराएगा और अपना दे के चला जाएगा, उसको वो फॉर्म भर के हम इससे सैंपल निकाल। देखिए ऐसा है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत सरकार ने जो एक मिशन लिया है उसके तहत 3 लैब्स का हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जिसमें एक BSL-3 लैब है और एक बैक्टेरियोलॉजिकल सेंसिटिविटी कल्चर एंड सेंसिटिविटी लैब है और एक हमारी CBNET लैब की स्थापना हुई है। और इसका पर्पज़ ये है कि हम लोग खाली जो एक तो आइडेंटिफिकेशन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का डिफरेंट फ्लूइड्स में और टिश्यूज़ में, उसके अलावा कि हम लोग ये भी देखेंगे कि जो कीटाणु है, ये टीबी का कीटाणु है, वो किन ड्रग्स के लिए सेंसिटिव है। तो इससे हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं या पॉली ड्रग रेजिस्टेंट हैं या जो पैन रेजिस्टेंट हैं, तो उनका फिर अलग तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो टीबी मुक्त भारत है उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमें करीब 5 करोड़ के उपकरण अब तक प्राप्त हो चुके हैं और 1.5 करोड़ हमें लैब के लिए अभी तक मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पूरी BSL-3 लैब बन चुकी है। देखिए प्रतिशत तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि मरीजों को ट्रीटमेंट में तो बहुत फ़ायदा, क्योंकि अब सब जेनेटिक बेस हो चुका है। हम लोग जो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के जो जैसे जीन एक्सपर्ट हैं या लाइन प्रोब हैं, इन सब के माध्यम से हम जेनेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टीबी का कीटाणु है, वो कौन सी दवा के प्रति सेंसिटिव होगा, तो हम फिर सीधा इलाज ही उस दवा से करेंगे। पहले ये होता था कि हम एक ग्रुप देते थे, उससे नहीं फायदा होता, फिर दूसरा देते थे, तो मरीज को कई बार कई साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता था। अब ये चीज़ खत्म हो जाएगी पहली बार में ही, और दूसरी बात है जिस टाइम पे उसको असर नहीं हो रहा है वो दूसरों में संक्रमण फैला सकता था। अब ये कि हमें पता है कि टू द पॉइंट पता है कि ये मरीज इस प्रकार के कीटाणु से संक्रमित है, इसके लिए ये ड्रग सूटेबल हैं, तो इससे मरीज के इलाज में बहुत सुविधा हो जाएगी और मरीज जल्दी ठीक होंगे और जो भारत का टीबी मुक्त होने का सरकार का हम सब का सपना है वो जल्दी साकार हो। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्र, नोडल ऑफिसर COVID-19 टेस्टिंग लैबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, और मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु यादव, शी इज़ दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं BSL-3 लैब की बात कर रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार का मिशन है कि 2025 में ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है, जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसको चेंज करके नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन या एलिमिनेशन प्रोग्राम बना दिया गया, उसी को ध्यान में रख के ये BSL-3 लैब की स्थापना करी गई है। अगर आप BSL-3 लैब को विस्तार से जानने की कोशिश करें तो CDC एटलांटा की कुछ गाइडलाइंस हैं कि जितने भी जीवाणु या विषाणु होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए एक सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, BSL-1, BSL-2, BSL-3। BSL-1 सबसे लो लेवल का होता है, उसके ऊपर BSL-2 आता है। BSL-1 के लैब्स आपको शहर में और मेडिकल कॉलेजेस में भी मिल जाएंगे। BSL-2 का थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड लैब होता है, उसमें आइसोलेशन और
प्रोसेसिंग की पॉलिसी फॉलो करी जाती है, जो कि हमारा कोविड लैब है। इससे ऊपर आता है BSL-3 लैब। BSL-3 लैब की खासियत ये होती है, इसमें एक तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर का कारण ये होता है कि अंदर का प्रेशर, जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारे के अंदर हाई प्रेशर होता है, तो उसके कारण जब हम गुब्बारे की नोक खोलेंगे तो सारी गुब्बारे के अंदर की हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। इसी प्रकार से इस लैब में भी नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि बाहर की हवा दरवाज़ा खुलने पे अंदर आ सके, लेकिन अंदर की जो दूषित हवा है वो बाहर ना जा सके, जिससे डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स या पेशेंट्स इससे संक्रमित ना हो। अभी तक कानपुर में कोई BSL-3 लैब नहीं था, ये पहला अपनी तरह का BSL-3 लैब है। नेगेटिव एयर प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे ऑथराइज एंट्री की ही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसमें आपका बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन से खाली वही स्टाफ एंटर कर सकता है जो कि जिसका यहाँ पे एनरोल्ड हो, बाकी व्यक्ति नहीं कर सकते। तीसरी इसमें जो प्रोटोकॉल फॉलो करी गई वो है रेगुलर एंड विगरस CCTV मॉनिटरिंग, क्योंकि एक कंटेनमेंट लैब है, यहाँ पे विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं, तो इसी को ध्यान में रख के कई चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से ही CCTV के द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं और डायरेक्शंस दे सकते हैं जूनियर स्टाफ को इस तरीके से प्रोसेस करें। उसके अलावा जो फोर्थ क्वालिटी इस BSL-3 लैब की है वो है स्पेशल एयर हैंडलिंग यूनिट्स। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो मॉड्यूलर OT होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं, जिसमें हेपा फिल्टर होता है जो कि बहुत महंगा होता है। उसका कारण ये होता है कि OT संक्रमण फ्री रहे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एयर हैंडलिंग यूनिट्स का प्रयोग किया गया है, जिसमें हेपा फिल्टर लगा हुआ है, जिससे कि जितना भी यहाँ पे बैक्टीरिया जो प्रोसेस हो रहा है वो फिल्टर होकर डिकंटैमिनेट हो जाए, बाहर के वातावरण को संक्रमित ना करे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ BSL-3 लैब की हैं। इसके अलावा एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी हेल्थ केयर वर्कर के लिए रखा गया है। जो हमारे दाईं तरफ आप ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन का रोल है कि जैसे प्रोसेसिंग के दौरान अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर को स्प्लैश हो जाता है बायोलॉजिकल फ्लूइड या सैंपल, तो क्योंकि वो खतरनाक सैंपल है उससे बड़ी हेल्थ केयर वर्कर को दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बटन दबाते ही स्प्लैश ऑफ वाटर निकलता है, जिससे जो व्यक्ति है जिसके स्प्लैश हुआ आँखों में, आँखें साफ़ हो जाती हैं और ऊपर से शरीर को भी बटन दबा के साफ किया जा सकता है। तो ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। अभी तक ये हमारा कानपुर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जितने भी TB के सैंपल्स होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ BSL-3 लैब नहीं था, तो ये कानपुर डिवीज़न के जितने भी सैंपल्स थे वो या तो आगरा या वाराणसी जाते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई सैंपल्स ख़राब हो जाते थे, प्लस ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ पहुँचने के बाद प्रोसेसिंग, फिर रिपोर्टिंग, फिर रिपोर्ट का ट्रांसफ़र यहाँ होना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिससे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उसका एडवांटेज ये है कि अब BSL-3 लैब हमारे यहाँ आ गया है, जिससे हम न केवल कानपुर बल्कि आसपास के इलाकों के सैंपल को भी प्रोसेस कर सकें। इस BSL-3 लैब के 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अगर आप देखें तो वो है HCDST, यानी हाई कल्चर ड्रग एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इस पे हम एक सेमी ऑटोमेटेड मशीन बैकटेक MGIT लिक्विड कल्चर माध्यम के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को हम सैंपल से आइसोलेट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रूटीनली इस बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो लगभग रूटीन कल्चर करने में रिपोर्ट हमें 1 महीने या उससे ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इस माध्यम के द्वारा जो सेमी ऑटोमेटेड बैक्टेक NGIT या लिक्विड कल्चर माध्यम, इससे हम 7 से 10 दिन में इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करके ना केवल उसको आइसोलेट करेंगे, उसकी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग यानी वो कौन सी एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है वो भी हम तय कर सकेंगे। सेकेंड पार्ट मॉलिकुलर बायोलॉजी का आता है, लाइन प्रोब ऐसे, जिससे हम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस बना सकते हैं, तो लाइन प्रोब ऐसे की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। थर्ड पार्ट CBNAT टेस्टिंग है। CBNAT का फुल फॉर्म है कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो एक कार्ट्रेज है जो कि एक PCR मशीन यानी जीन एक्सपर्ट में डाली जाती है। कार्ट्रिज के अंदर सैंपल डाल के उस कार्ट्रिज को मशीन के अंदर रखा जाता है और लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि उस सैंपल में TB का बैक्टीरिया है कि नहीं, और इसके साथ साथ ये भी पता लग जाता है कि क्या वो फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन ड्रग्स से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। तो इस तरह का फ़ायदा हमारे जो कानपुर के नागरिक हैं उन लोगों को मिलेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कानपुर एक एंडेमिक जोन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिलेगी यहाँ पे और उस पे हमारा रिसर्च वर्क भी होगा।
ये जितनी भी जांचें हैं ये सब निशुल्क करी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। सेंट्रल टीबी डिवीजन ने इस लैब को स्थापित किया है। इस लैब को बनाने में लगभग 75 से 80 लाख रुपए का खर्चा आया है और फाइंड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल का, उसने लगभग 3 करोड़ के उपकरण जैसे कि सीबीनेट, इंक्यूबेटर्स, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स और डीप फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, पीसीआर मशीन और सेंट्रीफ्यूज इत्यादि हमको उपलब्ध कराए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि कैसे मरीज को पता लगेगा कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर आ रहा है, जो पैरासिटामोल खाने के बाद भी नहीं उतर रहा है, पिछले 3 से 4 हफ्तों में उनका 10% से ज़्यादा वज़न घट चुका है, अत्यधिक थकान, थकावट, कमज़ोरी आना, इसके अलावा खांसी आना, खांसी में बलगम आना, बलगम के साथ साथ ब्लड आना, तो ये कुछ तरह के सिम्टम्स हैं, और गले में गांठों का सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाना, इस तरह के अगर लक्षण किसी भी मरीज़ को आते हैं तो कृपया डॉट सेंटर में जाके अपनी जांच कराएं।